दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम की जीत से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सूर्या की आंधी के बाद रविचंद्रन अश्विन ने भी जिम्बाब्वे को बर्बाद कर दिया। जी हां दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने अपनी धमाकेदार पारी से जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को तो डराया ही था, लेकिन उसके बाद गेंदबाजों ने ऐसी मजबूत गेंदबाजी की जिसके सामने जिम्बाब्वे के बल्लेबाज घुटने टेकने को मजबूर हो गए। आखिरकार कैसे इस मुकाबले में एक तरफा जीत भारतीय टीम को मिल गई, ये तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की हाईलाइट भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि इस बार का वर्ल्ड कप कौन सी टीम जीतेगी, इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज का अंतिम मुकाबला भारत और जिम्बाब्वे के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो काफी हद तक सही साबित हुआ क्योंकि भारतीय टीम ने 20 ओवर में 184 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए। जहां भारतीय टीम ने मात्र एक बदलाव दिनेश कार्तिक की जगह ऋषभ पंत को खिलाकर किया, तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए रोहित शर्मा और केएल राहुल मैदान पर आए। हालांकि भारतीय टीम की शुरुआत काफी ज्यादा खराब रही, जहां पहले ही ओवर में एक भी रन नहीं आया। लेकिन इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने थोड़ी देर तक साझेदारी करी, परंतु इसी बीच 27 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को पहला झटका लग गया, जहां भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा पवेलियन लौट गए। दरअसल गेंदबाज मजरबानी ने रोहित शर्मा को 13 गेंदों पर दो चौकों की मदद से 15 रन बनाने के बाद कैच आउट करवा दिया और इस बीच उनका स्ट्राइक रेट मात्र 116 का रहा और ये इस वर्ल्ड कप में भारत की सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी थी। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली आए, जहां विराट कोहली ने आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को आगे ले जाने का कार्य किया। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रन की साझेदारी कर डाली, लेकिन इसी बीच 12वें ओवर में भारतीय टीम को दूसरा झटका लग गया, जहां इस बार गेंदबाज विलियम्स ने 25 गेंदों पर दो चौकों की मदद से 26 रन बनाने के बाद विराट कोहली को रियान के हाथों कैच आउट करा दिया और इस बीच विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 104 का रहा। अब बल्लेबाजी करने सूर्य कुमार यादव आ गए, तो वहीं दूसरी तरफ से शानदार बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल ने अगले ओवर में 34 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और अगली गेंद पर अपना विकेट पिछले मुकाबले की तरह दे दिया, जहां गेंदबाज सिकंदर रजा ने केएल राहुल को 35 गेंदों पर 51 रन 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से बनाने के बाद कैच आउट करा दिया। इस बीच उनका स्ट्राइक रेट 146 का रहा, लेकिन अब पारी को संभालने के लिए ऋषभ पंत मैदान पर आए, जिनको दिनेश कार्तिक की जगह खेलने का मौका मिला। हालांकि ऋषभ पंत एक बार फिर से नाकामयाब रहे और इस बार ऋषभ पंत 14वें ओवर में विलियम्स की गेंद पर रियान के हाथों 5 गेंदों पर मात्र 3 रन बनाने के बाद कैच आउट हो गए और अब बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या आए, तो वहीं पारी को संभालने का पूरा जिम्मा हार्दिक पांड्या और सूर्या के कंधों पर आ गया और दोनों बल्लेबाजों ने ऐसी पारी खेली जिसको शायद ही कोई समर्थक भूल पाएगा। इन दोनों ने मिलकर अंत तक शानदार अर्धशतकीय साझेदारी कर डाली, तो वहीं पारी के अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या नगरवा की गेंद पर मुजरबानी के हाथों 18 गेंदों पर दो चौके की मदद से 18 रन 100 के स्ट्राइक रेट से बनाने के बाद कैच आउट हो गए। तो वहीं आपको बता दें कि सूर्या ने 23 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और इसी के साथ ही भारतीय टीम ने 20 ओवर में 184 रन 5 विकेट के नुकसान पे बना दिए, जहां पर सूर्य कुमार यादव ने 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से 25 गेंदों पर 61 रनों की पारी खेली और इस बीच उनका स्ट्राइक रेट 244 का रहा। लेकिन 185 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे ही जिम्बाब्वे की टीम मैदान पर आई, तो जिम्बाब्वे की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए एरमिन और माधवीरे आए, तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत भुवनेश्वर कुमार ने करी और जिस तरीके की शुरुआत भारतीय टीम की हुई थी उसी तरीके से यहां पर भी जिम्बाब्वे की शुरुआत हुई। हालांकि जिम्बाब्वे पहली ही पारी पर अपना विकेट खो चुका था। पहली ही गेंद पर जिम्बाब्वे के बल्लेबाज माधवीरे भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर विराट कोहली के हाथों कैच आउट हो गए, वो भी बिना खाता खोले, जिसके बाद बल्लेबाजी करने चकाबबा आए, तो वहीं पहले ही ओवर में एक भी रन नहीं आया, तो वहीं दूसरे ओवर में दूसरा बल्लेबाज भी बिना खाता खोले पवेलियन को लौट गया। दरअसल अर्शदीप सिंह ने बल्ले से एक भी रन नहीं बनने दिया, जहां ओवर की चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने चकाबबा को क्लीन बोल्ड कर दिया और अब बल्लेबाजी करने के लिए विलियम्स आए, तो वहीं अब इन्होंने थोड़ी देर तक पारी को संभाल कर रखा, जहां पर चौथे ओवर में जिम्बाब्वे की तरफ से पहला चौका देखने को मिला और इन दोनों ने मिलकर पारी को संभाल कर आगे ले जाने का कार्य किया। लेकिन इसी बीच मोहम्मद शमी ने विलियम्स को 18 गेंदों पर 11 रन बनाने के बाद भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच आउट करा दिया। दोस्तों 28 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को तीसरा विकेट मिला, लेकिन इस पावर प्ले के बाद सिकंदर रजा ने पारी को संभाला, तो वहीं इसके बाद लगातार विकेट पर विकेट गिरते चले गए, जहां कप्तान एडमिन 13 रियान 35 रन बनाकर लौटे, तो वहीं सबसे खतरनाक बल्लेबाज सिकंदर रजा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 34 रन की पारी खेली। लेकिन जब जीत के लिए 5 ओवर में 80 रन चाहिए थे, तो रविचंद्रन अश्विन ने 1 ओवर में 2 विकेट लिया, तो वहीं अगले ओवर में हार्दिक पांड्या ने सिकंदर का सबसे बड़ा विकेट लिया।
किया, तो वहीं 18वें ओवर में अक्षर पटेल ने अंतिम विकेट ले लिया और जिम्बाब्वे की टीम मात्र 115 रन 17.2 ओवर में आउट हो गई, जहां पर रविचंद्रन अश्विन ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, लेकिन सूर्य कुमार यादव मैन ऑफ द मैच रहे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में भारतीय टीम के जीत का हीरो कौन रहा? इस बात का जवाब नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।